Hi friends, myself Ambarish Kumar Gupta, and today I will take second chapter of history class 11th. The chapter is Writing and City Life. In this chapter, basically we will discuss about Mesopotamian civilization and the achievement, the legacy of Mesopotamian civilization to the modern world. So first of all, we should try to understand what is Mesopotamia. Mesopotamia is a historical region, geographical region in Western Asia. Some historians call it Middle East. So in Middle East or Western Asian region, within the Tigris and Euphrates river system, this civilization evolved and benefited from the area's climate and geography to host the beginnings of human civilizations. तो इस तरह से मेसोपोटामिया पश्चिम एशिया, जिसे मध्य पूर्व भी कुछ इतिहासकार कहते हैं, वहां की दो नदियों दजला और फरात, इन दो नदियों, मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों के बीच जो स्थलखंड है, भूखंड है, इसके बीच विकसित सभ्यता से इसका तात्पर्य लगाया जाता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है और इसका जो, इसकी जो जलवायु है, उससे इस क्षेत्र में नगरीकरण का विकास हुआ। वर्तमान में मेसोपोटामिया के अंतर्गत मुख्य रूप से इराक, कुवैत, तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्से आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया एक भौगोलिक भूभाग है जिसमें एक सभ्यता विकसित हुई, सिविलाइजेशन, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो सिविलाइजेशन का क्या तात्पर्य है, पहले हम इसको समझते हैं। सिविलाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, दे हैव सिटीज, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, आर्ट, रिलीजन, क्लास डिवीजन एंड अ पर्टिकुलर राइटिंग सिस्टम। सो एक सभ्यता हम उस समाज को कहते हैं जहां पर सरकार होती है, संगठित धर्म होता है, कला होते हैं, समाज का निश्चित बंटवारा होता है, उसके अंदर काम के विभाजन होते हैं और उसकी लेखन प्रणाली होती है। तो एक इस तरीके से सभ्यता एक बड़े समाज को दिखाती है जो निश्चित प्रतिरूप पर आधारित है। अब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। मेसोपोटामिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है। वास्तव में ये दो शब्द हैं, मेसोस एंड पोटामोस। मेसोस का मतलब मिडिल या मध्य, पोटामोस मींस रिवर्स या नदियां। इस तरह से मेसोपोटामिया का तात्पर्य दो नदियों के बीच के भूभाग से लगाया जाता है। अरब इतिहासकारों ने इस दो नदियों के बीच की भूमि को एक खास शब्द, जिससे आप परिचित हैं, अल जजीरा, इस नाम से भी पुकारा है। जबकि अल जजीरा का वास्तविक अर्थ होता है द्वीप से, जो चारों तरफ से नदियों से, समुद्र से घिरा हो। जबकि यहां पर कई अरब इतिहासकार इस भूभाग को अल जजीरा नाम से भी संबोधित करते रहे हैं। मेसोपोटामिया के बारे में दो चीजें कही जाती है। पहली तो ये कि ये विश्व की पहली सभ्यता है। तो इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अफ्रीका से निकल करके जो आदिम समाज है, वो सबसे पहले अरब प्रायद्वीप में रुका, फिर वहीं से वो पूरी दुनिया की ओर फैला। तो लगभग 80 से 90 हजार साल पहले ये सभ्यता उस क्षेत्र में आके बसी, लेकिन एक नगरीय समाज के रूप में, एक समाज के रूप में रहने की शुरुआत मेसोपोटामिया के क्षेत्र में लगभग 3000 से 4000 वर्ष पहले हुई। इस समय तक दुनिया के अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई विस्तृत समाज नहीं था, कहीं पर नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो दुनिया में सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को कहा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स को पहला
सभ्य समाज या पहली सभ्यता कहते हैं, जबकि ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दुनिया की पहली सभ्यता है। मेसोपोटामिया को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार मानव एक सभ्यता के रूप में यहाँ पर बसा, नगरों के रूप में रहना शुरू किया, लिखने की कला उसमें विकसित हुई और उसने सरकारों की संरचना की। इस कारण से मेसोपोटामिया सभ्यता को ही क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यता का पालना भी कहा जाता। इस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी समृद्धि, संपन्नता, नगरीय जीवन, विशाल साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता कोई एक सभ्यता थी? नहीं, वास्तव में मेसोपोटामिया क्षेत्र में यानी दो नदियों दजला और फरात नदी के बीच में चार विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई। सबसे पहली जो सभ्यता विकसित हुई उसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है और ये इराक के दक्षिणी हिस्से में विकसित हुई, लगभग 3500 ईसा पूर्व के लगभग। इस सभ्यता को ही नगरी जीवन और लेखन शैली के जन्म के लिए माना जाता है। इस सभ्यता को अक्कडियन सभ्यता ने रिप्लेस किया जो मध्य इराक में केंद्रित थी। फिर अक्कडियन सभ्यता को डिस्प्लेस किया बेबीलोनियन सभ्यता ने, जिसने सुमेरिया के नजदीक ही बेबीलोनिया में अपनी राजधानी बनाई। तत्पश्चात असीरियन सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसने नॉर्थ में यानी उत्तरी इराक में अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। असीरियन सभ्यता ही ऐसी उप सभ्यता है मेसोपोटामिया की जिसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कोई एक सभ्यता न होकर के चार छोटी छोटी उप सभ्यताओं का एक सेट या समुच्चय था। पहली सब उप सभ्यता सुमेरियन, दूसरी अक्कडियन, तीसरा बेबीलोनियन और चौथा असीरियन। तत्पश्चात जो भाषाएं यहां पर बोली जाती थी, सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा सुमेर भाषा थी, सुमेरियन भाषा, और तत्पश्चात अक्कडियन भाषा और बेबीलोनियन और असीरियन भाषा बोली जाने लगी लगभग 1400 ईसा पूर्व के लगभग। अरामाइक भाषा का विकास हुआ जो कि हिब्रू भाषा जो यहूदियों में बोली जाती है, ये भाषा पॉपुलर हुई और आज भी उस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, खासतौर से इराक और इजराइल के क्षेत्रों में। अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में उत्खनन का कार्य कैसे हुआ, उसके पुरातात्विक इतिहास के बारे में। मेसोपोटामिया औपनिवेशिक काल में यूरोपियन कॉलोनी थी और बाइबल के अध्ययन के समय से ही यूरोपवासियों के मन में कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के बारे में जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा के कारण ही 1840s के दशक में ही कई मेसोपोटामियाई नगरों का उत्खनन किया गया, खासतौर से उरुक और मारी, ये जो दो स्थल हैं इनके कई दशकों तक उत्खनन किया गया और इतना विस्तृत अध्ययन आज तक किसी अन्य पुरातात्विक स्थल का नहीं किया गया। और इस क्षेत्र में दशकों तक चले उत्खनन के द्वारा कई भवन, स्टैच्यू, मूर्तियां, ऑर्नामेंट्स, शिल्प, ग्रेव्स, कब्रें, उपकरण, मृदभांड आदि प्राप्त किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहीं से हमें लिखित लेखन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला जो राइटिंग टैबलेट मिला है वो इसी क्षेत्र में मिला है। तत्पश्चात 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने एजेंसी ने ब्रिटिश न्यूज़पेपर एजेंसी ने ब्रिटिश म्यूजियम के नेतृत्व में चलने वाले एक अभियान को फंड किया,
उसको सहायता राशि दी। और उन लोगों ने, उनका उद्देश्य ये था कि मेसोपोटामिया से जो एक टैबलेट मिला था, क्ले टैबलेट, जिस पर एक बाइबल की कहानी का वर्णन था, उस कहानी को खोजने और उसकी सत्यता को परखने के लिए उन लोगों ने उस स्थल में, उस जगहों पर उत्खनन का कार्य शुरू कराया। लेकिन ये जो बाइबल में कथाएं लिखी गई थी, इसका इतिहास से ज्यादा समानता नहीं मिलती। और 1960 के दशक तक जो इतिहासकार थे, वो समझ गए कि जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें लिखी गई हैं, वो शाब्दिक रूप से अक्षरशः सही नहीं है। तो उनका ध्यान मुख्य रूप से अब पौराणिक कथाओं को सत्य सिद्ध करने की तरफ न जा करके, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारियों को इकट्ठा करने और सामान्य व्यक्तियों के जीवन और उनके तरीकों के बारे में खोजबीन पर केंद्रित हो गया। तो इस तरह से मेसोपोटामिया में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। Now the question is, why Mesopotamia was important to Europeans? मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? तो यूरोपियंस जितने भी थे, वो मेसोपोटामिया को पौराणिक संदर्भ में देखते थे। और बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में, बाइबल के दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो बुक ऑफ जेनेसिस है, उस पार्ट में एक सिमर शब्द मिलता है। इसका तात्पर्य सुमेर से लगाया जाता है। सुमेर वो नगर था, सुमेर का जो, या सिमर का जो वर्णन है बुक ऑफ जेनेसिस में, वो एक ऐसे नगर के रूप में किया गया है जो ईंटों से निर्मित है। तो सिमर शब्द या सुमेर शब्द का उल्लेख चूंकि ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है, इसीलिए मेसोपोटामिया के उत्खनन की ओर यूरोपियंस का ध्यान गया। दूसरी बात, जितने भी ट्रेवलर्स और स्कॉलर थे यूरोप के, उन लोगों ने मेसोपोटामिया को अपने एक धार्मिक स्थान, एंसेस्ट्रल लैंड की तरीके समझा। दे परसीव्ड दैट मेसोपोटामिया इज एन एंसेस्ट्रल लैंड फॉर ऑल द क्रिश्चियंस, सो दे ट्राइड टू प्रूव दैट लिटरल ट्रूथ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट थ्रू एक्सकैवेशन। तो अपनी पैतृक भूमि अपने लिए एक धार्मिक केंद्र मानते हुए उन्होंने ये प्रयास किया कि मेसोपोटामिया का उत्खनन किया जाए और ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल की सारी बातों को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध किया जाए। तो इस वजह से मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। अब हम लोग बात करते हैं मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति औसत दर्जे की थी। मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक क्षेत्र था, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी क्षेत्र था और घास के मैदान थे, जबकि जो निचला हिस्सा था, निचला क्षेत्र था, वो कम बारिश का क्षेत्र था और यहाँ पर डेजर्ट, रेगिस्तान था। सो मेसोपोटामिया वॉज द लैंड विद डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया was less green. Then the north region was mountainous with a clear stream and wild flowers. This north and northeastern region had enough rainfall and animal herding was the main profession in that area, because in steppes the animals could graze and Tigris provided the fertile land to them. Further, the river Tigris connected Mesopotamian region to the Iran through the river channels. In south region, southern Mesopotamia, that area was desert but fertile.
Why this was fertile? Because of the water flow down towards the south through two rivers and their tributaries, Dazla, Farat, Tigris and Euphrates. तो दजला और फरात दो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो नॉर्थ में उत्तर मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती थी वो जो पानी नदियों की सहायक नदियों के द्वारा बह के आता था दक्षिण भारत में दक्षिण मेसोपोटामिया में इस वजह से ये रेगिस्तानी क्षेत्र होता था। बावजूद इसके नदियों में जो गाद के रूप में जो उपजाऊ मिट्टी बह के आती थी उस वजह से ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता था। ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिणी मेसोपोटामिया का क्षेत्र है समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्यादा विकसित था। इसी कारण से इसी दक्षिणी मेसोपोटामिया में नगरीकरण और लेखन कला की शुरुआत हुई। नाउ इन रिवर्स बेसिकली Tigris and Euphrates and its tributaries. Fishes were caught by the people living in those areas and irrigation system was developed there. You can understand the geography of Mesopotamia through this map. See, this total area is Mesopotamian region and this dark area which is in semicircular shape is known as fertile crescent. You can see this is a mountain range across and there are two rivers. This eastern river is Tigris and western river is Euphrates and the land between these two rivers are basically called Mesopotamian land. So this area you can see that it is mountainous and the north Mesopotamian region is also mountainous followed by lower area which was grassland and that is why this area was fertile. You can easily understand the geographical condition helped Mesopotamia to grow in urban centers and flourishing in trade. तो इसकी भौगोलिक संरचना के कारण ही जो उत्तर मेसोपोटामिया है ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत बारिश भी होता था इस कारण से ये बहुत उपजाऊ था। जबकि इन्हीं नदियों के साथ जब बह करके नदियों का पानी आता था तो ये हिस्सा काफी उपजाऊ था। जितने भी प्रमुख नगर हैं मेसोपोटामिया के और उरुक वगैरह वो सब इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं और ये नदियां फिर बाद में ईरान की खाड़ी में मिल जाती थी। अब आप देखेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया क्षेत्र में चूंकि ये कम वर्षा का क्षेत्र था इस वजह से जो उत्तरी क्षेत्र से नदियों के द्वारा बहाकर पानी लाया जाता था मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा उसे बांध बना करके उसे सिंचाई के काम में लाया जाता था। इस वजह से अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया में सिंचाई प्रणाली बहुत अच्छी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया एक सेमी एरिड जोन था, उष्ण जलवायु का केंद्र था, क्षेत्र था जहां पर प्रतिवर्ष 10 इंच के लगभग वर्षा होती थी, लेकिन ये वर्षा का वितरण असमान था। उत्तरी मेसोपोटामिया में ज्यादा वर्षा होती थी, दक्षिणी में नहीं होती थी, जबकि नदियों के द्वारा जो पानी बहा करके लाया जाता था उससे बांध बना करके दक्षिणी क्षेत्रों में सिंचाई आदि का काम किया जाता था। ये जो वर्षा का काम था वर्षा जो थी वो भी अनसर्टेन थी।
ये इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। और किसान जो है हमेशा एक चिंता में रहते थे कि बारिश होती थी नहीं होती थी, प्रतिवर्ष ये उनके लिए एक चिंता का विषय होता था। यहां तक कि किसानों के अलावा राजाओं ने भी नहरों, नालों, बांधों आदि के निर्माण को महत्व दिया, ताकि पानी को रोक करके उसे सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और अपनी जनता के लिए सरप्लस फूड ग्रेन, अतिरिक्त उत्पादन पैदा किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि नहर या डैम किस तरह से बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं, एक काल्पनिक चित्र है कि नगर के चारों तरफ इस तरह से चैनल के जरिए नदियों के पानी को इकट्ठा किया जाता था छोटे छोटे डैम के द्वारा, और उसको फिर इस तरह से नालियों के जरिए खेतों के हर हिस्से में ले जाया जाता था और किसानों के द्वारा उसकी खेती का कार्य किया जाता था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो पशुपालन के साथ साथ, पशुपालन में मुख्य रूप से भेड़ बकरियां होती थी जिनसे मेसोपोटामिया के लोगों को दूध, मांस और फर, ऊन प्राप्त होता था। इसके अलावा कृषि उत्पादन में गेहूं, जौ, मटर और तिल आदि का उत्पादन किया जाता था। साथ ही साथ उस क्षेत्र में खजूर यानी डेट्स का भी उत्पादन होता था। आज भी मेसोपोटामिया और अरब के क्षेत्रों में डेट्स का बहुत उत्पादन होता है। तो जो फूड है उसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये बार्ले और डेट, डेट पाम वॉज द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस तरह यदि हम देखें तो सिर्फ ग्रामीण समृद्धि ही मेसोपोटामिया के एक नगर के रूप में विकसित होने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि और भी कई कारण थे। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बात और मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा जो हम इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। अगर हम इस मैप को देखें, मेसोपोटामिया के मैप को, तो हम ये देखें कि मेसोपोटामिया में ज्यादातर एक समतल मैदान का हिस्सा है। इस समतल मैदान होने के कारण इस सभ्यता पर समवर्ती समकालीन सभ्यताओं के द्वारा बार बार आक्रमण भी होते थे। इस कारण से अपनी सुरक्षा के लिए सरकार का होना, एक अच्छे प्रशासन का होना अनिवार्यता थी मेसोपोटामिया के लिए। इसी कारण से नगर, दुर्ग, प्रशासनिक संरचना आदि मेसोपोटामिया में बनाई गई और उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र न होने के कारण इनका व्यापार पर भी ध्यान होता था। समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। हम सभी लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया का भारत के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी संपर्क था। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठ थी। इस तरह अभी के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम लोग शहरीकरण और लेखन कला के बारे में विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।